अज्यूम कीजिए कि यूएस के कोई इन्वेस्टर है जो इंडिया में 50,000 यूएस डॉलर निवेश करना चाहते हैं जब यूएस डॉलर का भाव है ₹70। इसका मतलब वो मार्केट में करीबन 35 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अज्यूम करते हैं कि निफ्टी चल रही है 16,000 रुपए और 35 लाख रुपए के अंदर कितनी निफ्टी खरीद पाएंगे हमारे यूएस इन्वेस्टर, करीबन 218, राउंड फिगर 220 से लेते हैं इसके लिए। अब अज्यूम कीजिए कि एक महीने बाद निफ्टी हो गई 16,000 से 16,500 और हमारे जो यूएस इन्वेस्टर हैं उनका इन्वेस्टमेंट हो गया 35 लाख से लेकर 36 लाख। इसका मतलब उन्हें मुनाफा हुआ है 1 लाख रुपए का। लेकिन यहाँ पे ट्रिक है, अज्यूम कीजिए कि उसी वक्त यूएस डॉलर का भाव हो गया है ₹80। तो जब ये अपने माल को बेच के उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो उन्हें कितना मिलेगा, हमें ये देखना है। तो जैसा कि हमने देखा हमारे यूएस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए $50,000 एट ₹70, तो उनका इन्वेस्टमेंट हो गया 35 लाख रुपए। जब उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बेचा तो INR में उसकी वैल्यू थी 36 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए का फायदा। लेकिन तब यूएस डॉलर की वैल्यू हो गई ₹80 और जब ये इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं उसकी वैल्यू होती है 45।